माता जी, जो भी सोमेश के साथ हुआ है, हम बहुत ज्यादा उसके लिए अफसोस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हमें लग रहा है कि आपकी हानि हुई है, बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी त्रुटि है, नहीं कोई पूरी कर सकता। लेकिन हम सिर्फ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ताकि सोमेश को न्याय मिल सके। आखिरी बार जब ये सब हो रहा था तो सोमेश से आपकी क्या बात हुई थी, क्या कहा था सोमेश ने? मेरे बेटे ने पेपर दे के आया था, मेरे बेटे ने उससे बोला, माँ जी देखो पार्क में लड़ाई होती है, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, सिद्धांत भी सब लोग गए थे वहाँ, तो SDM ने आती उसने पहले डंडाबाजी की थी, हम लोगों ने जब वोट नहीं छोड़ा, उनकी करने नहीं देंगे, फिर आया उसने SDM ने ऑर्डर दे दिया कि एकदम से गोली मार दो, तो फिर उसके गोली लगी थी सुमेश की। तो आपने देखा था कि SDM ने ऑर्डर दिया था कि गोली मार? हमने सुना था, उसने चीख के कहा था कि ये महिला ऐसे नहीं हटेंगी तो इनको गोली मार दो। वहाँ बड़ा आदमी कोई नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे 17 साल तक के, और सारी लेडीज थी और कोई भी नहीं था वहाँ, तो उसने चीख के कहा था ये नहीं छोड़ रही है बोट, इनको सीधे गोली मार दिया जाए, तो उसमें मेरे बेटे की गोली लगी थी एक, और उसके पैर में गोली लगी है। अच्छा। और जब भी बेटे की लाश खींच के लेके आ रहे थे हम, जब भी वो लोग गोली चला रहे थे, लाश छीनने के चक्कर में थे कि हम इसकी लाश छीन सके इनसे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं अपने बेटे को, गोली खाने को तैयार हम भी थे लेकिन अपने बेटे की लाश हमें नहीं थी। अच्छा, गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गई पुलिस या क्या हुआ? नहीं हुआ, इतना भेजा उसका गोली से अलग ही उड़ गया एकदम से, उसमें एक भी बात नहीं ली मेरे बेटे ने, गोली लगते ही एकदम से फड़ाक से गिर गया। अच्छा, आपने देखा था कि पुलिस ने गोली मारी? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपका दुश्मन हो या कोई विरोधी हो? हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी, और पुलिस वाले ने गोली चलाई है। आपने देखा था? हमने देखा था। अच्छा। और वो पुलिस वाले चौकी पर रहते थे हमारे यहाँ, उन लोगों ने गोली मारी थी 2 मंजिले पर से। अच्छा, तो मतलब अब तक इतने लोग आपके पास आ चुके होंगे, आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया होगा, क्या लगता है सोमेश को न्याय मिलेगा? यही बोल रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे बेटे अन्याय में गया है, और हमारे बेटे की मृत्यु तारीख बनना चाहिए, और उनके संग में मेरे बेटे का भी होना चाहिए। तो अभी तक SDM को तो निलंबित कर दिया गया है, तो आपकी क्या मांग है, क्या न्याय मिलना चाहिए? मांग हमें यही चाहिए कि जिसने हमारे बेटे के संग में अन्याय किया है, उन लोगों को अन्याय आदमी नहीं फंसना चाहिए उसमें कोई भी, और जिन लोगों ने मेरे बेटे को सजा दी उनको फांसी होना चाहिए, मेरा यही कहना जी। धन्यवाद।